नमस्कार। हाँ दोस्तों, जो हम सरसंधि पे बता रहे थे, वीडियो दे रहे थे, और आज बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ से बहुत पीछे के जब पेपर उठाओगे और साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं, तो वो संधि हम बताने के लिए चल रहे हैं। और परीक्षा के लिहाज से भी, और वैसे जब कम्पिटेटिव कोई एग्ज़ाम आप बैठेंगे वहाँ पर भी, ये चीज़ें बहुत बार आई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है संधि, है ध्यान से समझेंगे इसको। इसके पहले जो दे चुके हैं उसी श्रृंखला में, और यहाँ तक आते आते मुझे लगता है इसका 5वां नंबर होता है। और ये जो संधि, स्वर संधि का ही भेद है अयादि संधि। और अयादि संधि का सूत्र होता है ये जो एवा याव, ये संधि थोड़ा याद करने में ऐसा लगता है कि याद नहीं कर पाएंगे, दिक्कत जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये जो एवा याव, बहुत थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो पहला नियम देख लेते हैं, तो नियम में क्या कहता है और नियम के अनुसार इसके आगे शब्द बनते हैं। तो इसने कहा, जब हम नियम बता रहे हैं या परिभाषा, कहता जब ए ए ओ और अव, ए ए ओ औ, चार की बात मैंने की है, ए ए ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो, इन चारों के बाद में कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः बदलाव क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इनके स्थान पे आय आय अव आव हो जाता है, मतलब ए ए ओ औ, इनके बाद में कोई भी स्वर आता है तो इनका जो बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन ऐसे हो जाएगा आय आय अव आव में बदल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेगा, जैसे कहता है ए, जो ए आएगा इसके बाद में अगर कोई स्वर आता है, मतलब कि आ आता है, ई आता है, या कोई भी आता है इसके बाद में, ए के बाद में, तो कहता है ए के स्थान पर ए बन जाएगा, आ और या ए में बदल जाएगा, अगर जो है आ आता है तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, तो कहता है इसके स्थान पे आय हो जाएगा। और फिर कहता है, बता रहा है, और अगर ओ आता है तो इसके स्थान पे आओ हो जाएगा, और अव आएगा, औ से और जो होता है, अव आता है तो उसके स्थान आओ बन जाएगा। ठीक, क्लियर, मतलब ए ए ओ ओ, चार स्वरों की बात हो रही है यहाँ पे, जो चार स्वर मैं बता रहा हूँ, ए ए ओ ओ आता है, इनके बाद में अगर कोई भी स्वर आएगा तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए का अव में, ए का आओ में, और जो है ध्यान से आए और वो आता है तो आओ में, आओ आएगा तो आओ में बदल जाएगा। ठीक, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, अगर ए आता है तो उसका परिवर्तन जो हो जाएगा आए में हो जाएगा, आ और या में, और ए अगर आता है तो उसका काहे में बदलाव आएगा, आए में, मैंने बड़ा और या में हो जाएगा, और अगर ऊ आता जो ओ आता है तो उसका बदलाव जो हो जाएगा वो अव में हो जाएगा, और फिर कहता औ आता है तो आव में बदल जाएंगे, चारों का बदलाव इस तरीके से कर दिया जाएगा। जैसे इसने कहा ने ने धन अनम, तो बराबर नय नम कैसे बना, ने ने में ए आया हुआ है और आगे अनम में आया है, तो क्या है, ए धन आ, तो बराबर वही जो मैंने बताया, ने धन आ ए हो जाएगा, तो नय नम। फिर जैसे नए धन अका, नए धन अका, अब नए में ए आया हुआ है और नए जब आया उसके बाद में क्या आया, आया है, तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था वो आए में आ रहा था, आ और या में बदल रहा था, अब आए में हो जाएगा, बड़ा और या, तो हो जाएगा नायक, नए धन अक नायक। अब जैसे पो धन अक आता है, तो पो में जो आया है क्या कहता है, पो में ओ आया है, ओ के बाद में आया है, तो हो जाएगा उसका अभी बदलाव हो जाएगा अव में, तो पावक हो जाएगा, और नवधन इका, तो नवधन इका, तो नायिका। ठीक है, तो यहाँ पे न आया और जो इका ये तो नाविका में बदल जाएगा। अब जैसे नए धन इका,
अब नायिका बन जाएगा, नय आया है और आगे ही आया है तो नायिका के अंतर्गत चला जाएगा। इसको एक बार और हम बताए देते हैं क्लियर, मतलब फिर से ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को। अगर ए आई ओ औ आता है, इसके बाद में कोई भी स्वर आएगा तो कहता ए का जो बदलाव आएगा तो औ में चला जाएगा और ऐ में चला जाएगा और या में, और अगर ऐ आता है तो काहे में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, और अगर वो आता है तो अव में बदल जाएगा, औ आएगा तो आव में परिवर्तन हो जाएगा। ये ऐसे शब्द बहुत आपके समझ आते हैं, ऐसे जब शब्द जैसे नायक है, पावक है, पवनम है, भवनम है, चयनम है, इस तरीके के जो भी शब्द आते हैं वो आयादि संधि के ही अंतर्गत होते हैं। और ऐसे शब्द जब मैंने देखा बहुत सी परीक्षाओं में बार बार क्या करता है, उठा देता है, लेकिन लोग जान नहीं पाते कि किस संधि का है। मैंने कहा देखिए हर एक संधि में नियम होता है, इसलिए मैं नियम पे ज़्यादा फोकस करता, ध्यान दिला रहा था और जोर देता था कि ताकि कि नियम अगर मेरे बच्चों ने सही से समझ लिया तो मुझे लगता है ना फिर वो संधि ज़्यादा उनके लिए कोई कठिन नहीं रह जाती, वो उसी आधार पर शब्द को पहचान लेते हैं कि यहाँ पर ये वाली संधि ही होगी। तो ये संधि तो इसी संदर्भ में आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये स्वर संधि के लगभग तुम्हारे स्तर जो तुम्हारा इंटर है आप लोग का वहाँ तक का पूरा होता है, इससे ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं उठाए जाते, पूरा होता है। और जब आगे हम अगले जब वीडियो आपके समक्ष लाएंगे तो उनमें क्या करेंगे कि अब व्यंजन संधि पे बात की जाएगी, क्योंकि वहाँ से भी बहुत से सवाल आते हैं। अब स्वर संधि मैंने पूरी तरीके से जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने दे दी हैं, और इसके बाद आपके स्तर से जो होगा व्यंजन उस पर हम बात कर लेंगे। और इस चीज़ को देखिए, देखने के बाद अगर किसी भी को किसी भी तरीके का कोई समस्या पैदा होता नज़र आ रहा है या दिक्कत आती है तो आप निसंदेह इसको देखिए, इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि साहब यहाँ पे क्या गलती हमारे लिए हो रही है, क्या समस्या है, हम उसका समाधान देंगे आपको। हमारे नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हो। और अगर इससे जुड़ी हुई चीज़ें नहीं जो पहले बता दी उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो भी बता सकते हैं, हम उसका समाधान आपके लिए लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और दीजिए हमें इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अगर थोड़ा सा भी कोई दिक्कत जाती है तो मैंने कहा खुले मन से आप निसंकोच हमें सूचित कर सकते हैं और हम उसे तत्काल आपके लाभ के लिए तत्पर रहेंगे, सक्रिय हैं, कभी भी कोई कोताही नहीं बरती जाए। तो आज इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, हम ऐसी कामना आपसे करते हैं। थैंक यू।